उगता सूरज है नारंगी, उड़ते की कल की लालो लाल, चिड़िया देखो ये चितकबरी, उड़े गुब्बारे हैं गुलाबी, चंदा चलता सादा सादा, तारे चमके चांदी जैसे। आपने वे अभी जो कविता देखी वो किसके बारे में थी? रंगों के बारे में। शाबाश, रंगों के बारे में। ठीक है, अभी हम बात करेंगे रंगों के बारे में। दो रंगों से तीसरा रंग कैसे बनता है? दो रंगों से तीसरा रंग। हाँ, दो रंगों से तीसरा रंग, तीसरा रंग दो रंगों से मिला करके, दो रंगों को आपस में मिला के तीसरा रंग कैसे बनता है ये हम बताएंगे। ठीक है, इससे पहले हम आपको रंगों के बारे में बताएं, हम मिलवाते हैं शीला दीदी से। शीला दीदी की विशेषता ये है, जब अभी ये चित्र बनाएंगी तब आप गौर से देखिएगा। अच्छा, ठीक है, ये शीला दीदी। नमस्ते शीला दीदी। सुबह सुबह का सूरज किस रंग का होता है? नारंगी। नारंगी, नारंगी सूरज होता है। नारंगी रंग से सूरज आपको बनाना है, आप बना लेंगे? नारंगी रंग कैसे बनाएंगे? पीला और लाल। हाँ, पीला और लाल मिला के, शाबाश। तो पीला और लाल रंग मिला करके नारंगी बन जाएगा। ठीक है, हम बनाना बताएं आपको, देखेंगे? हाँ। ठीक है, अब देखिए, ये पीला रंग लिया, ठीक है, इसको हम एक पानी में घोल रहे हैं। ठीक है, कौन सा रंग है ये? पीला। पीला रंग। अब इस ग्लास में पानी है और इसमें ये कौन सा रंग है? लाल। लाल रंग, शाबाश। अब देखिए, ये लाल रंग घोल दिया, ठीक है लाल, थोड़ा सा और घोलें। ये देखिए, ये लाल हो गया और ये पीला। पीला। अब इसको एक दूसरे गिलास में, दूसरे गिलास में मिलाते हैं। ठीक है, ये लाल और ये पीला, क्या हुआ? नारंगी। नारंगी रंग बन गया ना, देखा? ठीक है। अब ये तो एक तरीका हुआ कि जब दोनों रंग को घोल के आपस में पानी में मिलाया तो नारंगी रंग हो गया। ठीक है, अब कहीं अगर रंगना है कोई चीज तब कैसे करेंगे? थोड़ा सा पीला रंग लिया। हाँ। शाबाश। अब इसमें देखो, थोड़ा सा और मिलाया तो ये कैसा हो गया? और थोड़ा सा हल्का गहरा हो गया। थोड़ा सा और लाल मिलाया तो गहरा हो गया। अब इसी को अगर और हल्का करना है तब क्या करेंगे? पीला रंग। इसमें पीला रंग और मिला देंगे तो हल्का हो जाएगा। नारंगी किस रंग से बना? पीला और लाल। ठीक है, नारंगी बना पीला और लाल से। क्या करेंगे देखिए, ठीक, पीला और लाल से कौन सा बन रहा है? नारंगी। हाँ, बहुत अच्छे, समझ में आई बात? पीला और लाल से कौन सा बन रहा है? नारंगी। हाँ, अब देखिए, अब तुम्हें शीला दीदी चित्र बना करके दिखाएंगी। क्या? सूरज। बहुत ध्यान से देखना, शीला दीदी की विशेषता क्या है। ठीक है, देखो कैसे नारंगी रंग बनाया उन्होंने, जैसे अभी हमने बताया। देख रहे हो शीला दीदी की विशेषता? हाँ। हैं? Thank you.
सूरज बन गया। दिखाइए जरा, दिखाइए, सब लोग दिखाइए ऊंचा करके। पल्लवी आप भी दिखाइए। हाँ हर्षित, अरे वाह बहुत अच्छा बनाया। पेड़ लगे हुए हैं, इनकी पत्तियां जो हैं वो किस रंग की हैं? हरे। वेरी गुड, बहुत अच्छे, हरे रंग की हैं। हाँ। हरे रंग की। अब आप एक एक पत्ती सब लोग बनाइए। लेकिन मेरे पास तो हरा रंग है ही नहीं। हरा रंग आपके पास नहीं है? अच्छा ये बताइए, अगर सबके पास हरा रंग ना हो और हरे रंग की पत्ती बनानी तब क्या करेंगे? सोचो, समझ में नहीं आ रहा पल्लवी? नीला और पीला मिला। अरे वाह बहुत अच्छे, नीला और पीला मिला के हरा रंग बन जाएगा। अब देखो थोड़ा सा पीला रंग घोला, ये देखिए पीला रंग घोला थोड़ा सा, ठीक है। अब इसमें देखिए नीला रंग घोला, इसमें ये मिला दिया, देखिए क्या हुआ, है ना, कितना आसानी से हो गया और कितना अच्छा हुआ, ठीक है, समझ में आ गया। अब एक तरीका और देखो, दो चीज है, ये किस रंग की है? नीले रंग की, नीली, ठीक, और ये पीला, पीली। पीला। तो जैसे आपने रंग मिलाया था वैसे हम इन दोनों को यहाँ मिलाते हैं, ठीक है। अब ये दोनों यहाँ पे जो चौकोर बन रहा है वो मिले हुए हैं, ठीक है। अब देखिए ये हरे रंग जैसा कुछ दिख रहा है? हाँ। अच्छा पहले देखो, पहले देखो शीला दीदी अब एक पत्ती बना के दिखा रही है। देखो वो दोनों रंग मिला करके हरा रंग बनाएंगी, हरा रंग बनाने के बाद वो एक पत्ती बनाएंगी, उसको देखिए, उसके बाद फिर आप लोग बनाइएगा, ठीक है। देखो शीला दीदी कैसे बना रही है। शीला दीदी की विशेषता ध्यान में रखना, कैसे बना रही हैं और क्या खास बात है, ठीक है। बन गया सबका? हाँ। पत्ती कलर कर ली, रंग ली सबने? हाँ। अच्छा आज कौन कौन से रंग बनाना सीखे? नारंगी और हरा। हरा किस रंग से, दोनों रंगों से बना? पीला और नीला। बहुत अच्छे, और नारंगी किस रंग से बना? नीला और लाल। बच्चों आपने हरी पत्ती बना ली, ठीक है, दिखाइए जरा कैसी बनाई है, सब लोग दिखाइए। अरे वाह कुछ लोगों ने तो बहुत अच्छी बनाई है, कुछ लोग अभी ठीक से नहीं कर पाते हैं, सब लोग सीखिएगा फिर ठीक से। अच्छा बच्चों तुम लोगों ने आज कौन कौन से रंग सीखे? नारंगी और हरा। सीख गए?